क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका क्या है, एक्सरसाइज है 6.4। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आपको डायग्राम बना हुआ, देखो एंगल बी, ये एंगल बी जो है एंगल ए से ले से, और दूसरा क्या है एंगल सी, एंगल सी क्या है एंगल डी से ले से, हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर एंगल बी एंगल ए से ले से, तो एंगल ए क्या है एंगल बी से लार्जर है, एंगल सी अगर एंगल डी से ले से, तो इसका मतलब क्या है एंगल डी एंगल सी से लार्जर है। ओके, तो आपको क्या गिवन है लिख दो, आपको प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है कि ए डी इज लेस देन बी सी, एंड ए डी एंड ए जो ए डी है बी सी से लेस है, बी सी से क्या है लेस है, यानी आपको प्रूफ करनी है कि बी सी ग्रेटर देन ए डी। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ट्रेंगल हैं, कितना ट्रेंगल है, टू ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है आपको ट्रेंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रेंगल है ट्रेंगल सी ओ डी। अब इसको लिख चलते हैं हम लोग, है ना, ट्रेंगल आपको जो गिवेन है लिख दो, क्या गिवेन है, गिवेन है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, है ना, दिस इंप्लाई दैट, इस लिख सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। दूसरा चीज गिवेन है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, दिस इंप्लाई दैट एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, आपको प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ करनी है कि ए डी इज आपको प्रूफ करनी है ए डी इज लेस देन बी सी, ये प्रूफ करनी है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके, एट फर्स्ट हम लेंगे ट्रेंगल यू भी लेंगे, लेकिन इन ट्रेंगल ए ओ बी, अब ट्रेंगल ए ओ बी में देखो आपको क्या गिवन है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ लिखेंगे, सिंस एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, यानी ए एंगल, देखो बच्चे ए एंगल ए जो एंगल बी से ग्रेटर है, तो एंगल ए का अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, किसके, एंगल बी के अपोजिट साइड से, एंगल बी का देखो अपोजिट साइड कौन सा है, वो ही है, देयरफॉर लिखेंगे कि ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, ठीक है, चूँकि एंगल ए का अब एंगल ए ग्रेटर है तो एंगल ए का अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, एंगल बी लेसर है, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है लेसर होगा। ओके, तो वही लिख देंगे, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, कौन सा कंसेप्ट यूज किया, वही लिखेंगे सिंस साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज लॉन्गर, ये कंसेप्ट। ओके, फिर आउट ट्रेंगल किस में, सी ओ डी, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में क्या है एंगल डी ग्रेटर है एंगल सी से, तो एंगल डी का अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा एंगल सी के अपोजिट साइड से, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है ओ डी है, और एंगल डी का अपोजिट साइड क्या है ओ सी, तो ओ सी ग्रेटर देन ओ डी हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं, इसका अपोजिट साइड ओ सी है और इसका अपोजिट साइड क्या है ओ डी है, तो ओ सी ग्रेटर देन ओ डी हो जाएगा। करो इंटेंगल नाउ, इन ट्रेंगल सी ओ डी में, ट्रेंगल सी ओ डी में देखो आपको गिवेन है कि एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी, क्या लिखेंगे, सिंस एंगल डी इज ग्रेटर देन
एंगल सी ये आपको क्या गिवन है, तो देयरफॉर एंगल डी का अपोजिट साइड कौन सा है, ओ सी है, ओ सी ग्रेटर देन एंगल सी का अपोजिट साइड है ओ डी, ओ डी ओके। तो वही कंसेप्ट लिखते हैं जो ऊपर में लिखा है, इसे इक्वेशन लेंगे हम लोग सेकेंड, वही कंसेप्ट लिखेंगे सिंस साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लॉन्गर, ठीक है ये कंसेप्ट। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो, ऐड करने से फायदा क्या हुआ, देखो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ओ बी है और सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखो ओ सी है, देखो ओ बी और ओ सी को ऐड करो तो क्या बनेगा, देखो बच्चे ओ बी और ओ सी को ऐड करो तो क्या बनेगा, ये ओ बी है और ये ओ सी है, दोनों मिला दे तो क्या बना आपका बी सी बन गया ना, उस तरह से ओ डी और ओ ए को मिला दें तो क्या बने ए डी बनेगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। नाउ क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करो, ठीक है तो ऐड किया क्या है, फर्स्ट के दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो कितना है ओ बी है इसका ओ सी है, क्या लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है बीच में ग्रेटर साइन, ग्रेटर साइन लिखेंगे और फिर दोनों को राइट हैंड साइड ऐड करो, राइट हैंड साइड ओ ए है इसका ओ डी है, ओ ए प्लस ओ डी, तो दिस इंप्लाई दोनों ऐड करो तो क्या बना, बन गया ए बी सी बन गया और ये बन गया ए डी, क्या बन गया ए डी, यानी बी सी ग्रेटर देन ए डी हो गया, तो बी सी अगर ए डी से ग्रेटर है इसका मतलब ए डी क्या है बी सी से स्मॉलर है, तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया ए डी इज लेस देन बी सी, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था ओके ओके बेटे।